नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर सी चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम रबड़ी मलाईदार कुल्फी, जो खाने में टेस्टी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप घर में इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब भी ठंडा और मीठा खाने का मन हो तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और गैस को हम ऑन कर देंगे और इसके अंदर हम आधा लीटर दूध डाल देंगे। दूध आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके घर में आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं और पैकेट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि दूध जो है वो तले से ना चिपके। तो मैंने पहले से उबला हुआ दूध ही लिया है। दूध को हम अच्छे से उबाल लेंगे, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने दो व्हाइट ब्रेड लिए है और अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेंगे। हमें ब्रेड का क्रम बनाना है, तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े तोड़ देंगे। आप ब्राउन पार्ट हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, मैंने ब्राउन पार्ट हटाया नहीं है। तो आप देख सकते हैं ब्रेड का मैंने क्रम बना लिया है, इसको हम अलग निकाल लेंगे। और अब हम इसी में 10 से 15 काजू और 10 से 15 बादाम लिए, इसे भी दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। तो देखिए इसका भी पाउडर बना लिया है और इस साइड में रख देंगे। अब हम आधा कप दूध लेंगे, उसके अंदर डाल देंगे 1.5 चम्मच वनीला फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। मैंने ठंडे दूध का यूज किया है तो देखिए इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं है। दूध भी उबलते उबलते पहले से थोड़ा सा कम हो गया है। दूध को उबलते उबलते 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इसके अंदर डालेंगे शुगर। तो मीठा फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 7 चम्मच शुगर ली है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है। और अब हम थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे, ये पूरी तरह ऑप्शनल है। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे ब्रेड क्रम जो हमने बना के रखा था, वो भी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ हम डाल देंगे हमारे बादाम काजू वाला पाउडर, सारा डाल देना है हमें और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर थोड़े से लम्स आ गए हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है फ्रेंड। आप दही रिड़कने वाली रेई होती है या विस्कर है आपके पास, उससे आप इन लम्स को खोल सकते हैं। तो मैं विस्कर से इसे विक्स कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से, तो देखिए सारे लम्स जो है वो खुल गए हैं, इसके अंदर अब बिल्कुल भी लम्स नहीं है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर वाला घोल और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसमें बहुत ही लाइट कलर है तो मैं येलो फ्रूट कलर की एक बूंद डाल दूंगी। मैंने लिक्विड वाला येलो फ्रूट कलर लिया है, जेल वाला, आप पाउडर फोम वाला भी ले सकते हैं। अभी भी इसका कलर जो है थोड़ा सा हल्का है तो मैं एक बूंद इसके अंदर येलो फ्रूट कलर की और डाल दूंगी ताकि इसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क आ जाए। तो देखिए इसे उबलते उबलते 5 से 7 मिनट हो गया, ठंडा होने के बाद भी ये काफी गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हमें गैस को बंद कर देना है और इसे हमें अच्छे से पूरी तरह से एकदम ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही हम इसको यूज करेंगे। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। तो देखिए पूरी तरह ठंडा हो गया है और पहले से काफी गाढ़ा भी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से पूरी तरह से ठंडा कर लिया है, बिल्कुल भी ये गुनगुना भी नहीं है, मैंने अच्छे से ठंडा इसे कर लिया है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर ये सारा कुल्फी वाला जो घोल है वो डाल देंगे। और ऊपर से कवर करते हुए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम स्मूथ बैटर इसका बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका एकदम स्मूथ बैटर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाया है फ्रेंड, बस उसको मिक्स किया है। और अब हम कुल्फी वाले मोल्ड के अंदर इनको डाल देंगे। आप कोई भी कप, कटोरी, डिब्बा आपके पास जो भी हो उसमें आप कुल्फी को सेट कर सकते हैं। कॉफी वाले कप आते हैं उनमें भी आप कुल्फी को सेट कर सकते हैं। और अब हम इसके ढक्कन लगा देंगे
इनके ऊपर फॉल पेपर लगाने की जरूरत नहीं है। इन मोल्ड के अंदर बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमती है, बस हमें ढक्कन लगा देना है। अगर आपके पास ऐसे मोल्ड नहीं है तो आप सिल्वर या फिर जिसमें हम सब्जी लाते हैं वो पॉलीथीन आप इसके अंदर लगा सकते हैं, फिर फ्रिज की ठंडी हवा इसके अंदर नहीं जाएगी। अब हम स्टिक लगा देंगे और इसे पूरी नाइट के लिए हमें जमने रखना है ताकि ये अच्छे से जम जाए। तो पूरी नाइट इसे रख देंगे। तो देखिए मैंने पूरी नाइट इसे जमने के लिए रखा था, ये अच्छे से जम गई है, सेट हो गई है और अब हम इस कुल्फी को निकाल लेंगे। तो ऊपर से खोल लेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये सेट हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आप इसे कोई पानी के गिलास में कुछ सेकंड के लिए घुमाएंगे ना तब भी ये कुल्फी निकल जाएगी, नहीं तो फिर आप इसे हाथों की इस तरह से गर्मी से भी आप निकाल सकते हैं। कुछ देर आप इस तरह से रब करें तो कुल्फी जो है बहुत ही जल्दी से बाहर आ जाएगी, हाथों की गर्माहट से ये मेल्ट हो जाएगी और फिर आसानी से निकल आएगी। तो देखिए कुल्फी निकल आई है और अब हम इसे एक प्लेट के अंदर रख देंगे और बाकी बची हुई कुल्फी भी इसी तरह निकाल कर तैयार कर लेंगे। तो हमारी टेस्टी रबड़ीदार कुल्फी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अन्नपूर्णा रसोई चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए, और बेल को ऑल पे कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे एक नई और आसान रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।